लेडी हेल्थ वर्कर्स की हठधर्मी, धरने को तूल दे दिया। डेंगू, पोलियो, एड्स समेत सेहत के मुताबिक प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा। पंजाब भर के 45,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स काम छोड़कर धरने पर। जच्चा बच्चा की देखभाल, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटीज भी बंद। खसरा, मलेरिया, हेपेटाइटिस और दीगर वबाई अमराज के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रेक। डेंगू लार्वा तल्फ करने और डेंगू आगाही मुहिम भी डिस्टर्ब। सर्विस स्ट्रक्चर, पे स्केल की अपग्रेडेशन और मुस्तकिल किया जाए। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने पंजाब असेंबली के सामने धरना दे दिया। मुजाहरीन के एसीसीटी से मुजाकरात नाकाम। धरने में शरीक एक लेडी हेल्थ वर्कर की तबीयत खराब, बेहोश हो गई। रेस्क्यू की टीमों ने तिब्बी इमदाद फराहम की। शहर में धरने, मुजाहरे बेशुमार, शहरी दिन भर होते रहे खार। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम। चैरिंग क्रॉस बंद होने से मुल्का सड़कों पर खौफनाक दबाव रहा। गाड़ियां सवारों के लिए मिनी जेल बनकर रह गईं। लेडी हेल्थ वर्कर्स मोटरसाइकिल सवारों से उलझने लगीं। डंडे के बार से एक शहरी ने खुद को भाग कर बचाया। एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जैम में फंसी रही। ये धरना नहीं बल्कि इसमें सासी मकासब कार फरमा है। मुझे हेल्थ वर्कर्स में से एक खातून ने धमकी दी थी, सब काम होने के बावजूद धरना समझ से वाला कर है। सर्विस स्ट्रक्चर की फहरिस्तें मुकम्मल हो चुकी हैं। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स का भी एहतजाज। तनख्वाहों की मुनसिफाना तकसीम और टेक्निकल अलाउंस बहाल करने का मुतालबा। इंजीनियर्स ने धरना छोड़कर कलम छोड़ हड़ताल का फैसला कर लिया। 27 मार्च तक इंजीनियर्स कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। मुतालबात न माने गए तो 27 मार्च को धरना देंगे। मुजाहिरीन की धमकी। सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात का मामला, शहबाज शरीफ ने जीआईटी के सामने पेश होकर 45 मिनट तक अपना बयान रिकॉर्ड कराया। टीम के मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। जराए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाज़े किया कि जब टीम उन्हें बुलाएगी वो हाजिर होंगे। अवामी तहरीक के वकील जवाद हामिद बोले, सानहा मॉडल टाउन मुल्क की तारीख का बदतरीन सानहा है, जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। उस्ताद सुखेरा को रातों रात बलोचिस्तान से क्यों लाया गया? सानहा मॉडल टाउन की इत्तला मिली तो पुलिस को क्यों नहीं रोका? अगर पुलिस नहीं रुकी तो बतौर वज़ीर-ए-आला क्या कार्रवाई की? क्या खुर्रम नवाज गंडापुर और फयाज वड़ाइच के जरिए ताहिरुल कादरी को पाकिस्तान आने से रोकने का कहा गया था? जीआईटी के साबिक वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ से सवालात। सानहा मॉडल टाउन मनसूबाबंदी से पेश नहीं आया। सानहा मुजाहरीन और पुलिस के झगड़े का नतीजा है। साबिका हुकूमत और मुझ पर तमाम इल्जाम बेबुनियाद हैं। शहबाज शरीफ का जवाब, नवाज शरीफ को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। आज साबिक वज़ीर आज़म का बयान रिकॉर्ड ना किया जा सका। सानहा साहिवाल में जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल कमीशन हमने नहीं बनाना, रिपोर्ट वापस ले जाएं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान का सेशन जज साहिवाल की रिपोर्ट पर जवाब। इंसाफ के नाम पर हमारी तस्लील ना की जाए। वज़ीर आज़म हमसे मुलाकात करके मुतालबात सुने। मुल्क की हालात खराब होने के बाद खामोश हैं। पीटीआई 126 दिन का धरना दे सकती है तो हम 150 दिन बैठ सकते हैं। हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। मकतूल खलील के भाई की मीडिया से गुफ्तगू। वज़रा और अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे का मामला, वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने मराहत और तनख्वाहों में इजाफे के बिल पर वजाहत पेश की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला की ताहयात मराहत में इजाफे पर मायूसी का इजहार कर दिया। ऐसे वक्त में मराहत में इजाफे से अवाम में मनफी पैगाम जाएगा, बिल पर नजरसानी की जाए। इमरान खान ने अपना मुतालबा दोहराया।
पंजाब की सियासी सूरतहाल और नवाज शरीफ के इलाज बारे नून लीग के मुतालिबात पर भी खूब गुफ्तगु। कप्तान की बचत स्कीम को भी वसीम अकरम प्लास्ट ने हवा में उड़ा दिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने ऐवान वज़ीर आला के लिए 18 लाख रुपए का नया फर्नीचर मंगवा लिया। तोंसा शरीफ में भी अपने घर के लिए 17 लाख का फर्नीचर भिजवा दिया। अरकान असेंबली की तनख्वाहों में तरमीम का मामला भी गोल। तरमीम शुदा बिल गवर्नर को अभी तक ना भिजवाया जा सका। अब्दुल अलीम खान के जुडिशियल रिमांड में 15 रोज की तौसी। आमदन से जायद असासाजात केस पे पेशी। रेफरेंस कब पेश करेंगे? अदालत का इस्तफसार। तहकीकात की फाइनल रिपोर्ट के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। नए प्रोसिक्यूटर का जवाब। इजहार यकजहती के लिए कारकुनों की एहतसाब अदालत के बाहर नारेबाजी। रहनुमा पीटीआई शुएब सदीकी बोले, नैब अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश ना कर सका। जल्द हाईकोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर करेंगे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म फवाद हसन फवाद के खिलाफ दूसरा करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। दूसरा रेफरेंस मुबैना तौर पर आमदन से ज्यादा असासाजात केस में दाखिल किया गया। रेफरेंस में 1 अरब 9 करोड़ मालियत के गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्जाम लगाया गया। नवाज शरीफ और जरदारी को नहीं, शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते देखा। नवाज शरीफ को डॉक्टर, दवाई और ना ही बिस्तरों की जरूरत है। उनकी सुई फंसी हुई है कि बाहर से इलाज करवाना है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद एक बार फिर मुखालफीन पर बरस पड़े। महकमा बल्दियात की हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज। वजीर कानून और डीसी लाहौर ने जीसी यूनिवर्सिटी में इफ्तिताह किया। बशारत राजा और सोले सईद ने झाड़ू भी लगाया। बशारत राजा बोले, शहर लाहौर को साफ सुथरा बनाएंगे। देहात में भी क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज होगा। हमें अपने इर्द गिर्द भी माहौल को साफ सुथरा रखना होगा। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में बल्दियाती नुमाइंदों का भी सफाया। सफाई मुहिम में मेयर और डेप्टी मेयर नजरअंदाज। महकमा बल्दियात ने बल्दिया उस्मा और LTWMC के वसाइल खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। डेप्टी मेयर्स कहते हैं कि 274 यूसी के चेयरमैनों का मैंडेट चुराया जा रहा है। अवामी नुमाइंदों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के नाम पर हकूक सल्ब ना किए जाएं। डेप्टी मेयर बल्दिया उस्मा और महकमा बल्दियात की आपसी चपकलिश का खमियाजा अवाम भुगतने पर मजबूर। 7 माह गुजर गए, 400 तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी न मिल सकी। सड़कें टूट फूट का शिकार, गली मोहल्लों में मसाइल की भरमार। मेयर लाहौर ने महकमा बल्दियात के तर्ज अमल को गैर कानूनी करार दे दिया। सानहा न्यूजीलैंड में शहीद होने वाला सुहेल बागबानपुरा का रिहायशी। केमिकल इंजीनियर सुहेल शाहिद 2 साल कबल फैमिली समेत न्यूजीलैंड गया। इलाके में शोक का समा, वालिदा बहन भाई गम से निठाल। सानहा के खिलाफ पंजाब हुकूमत का शोक। अहम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगो रहा। शहीद सुहेल का पंजाब यूनिवर्सिटी में गायबाना नमाज जनाजा था। भाई की तदफीन न्यूजीलैंड में ही होगी। कल 2 बजे शालामार बाग में गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पंजाब पुलिस के रवैये पर मायूसी हुई। मुहर्रर घर आए और कहा, गवर्नर साहब आ रहे हैं, सफाई कराएं। भाई सुहेल शाहिद की मीडिया से गुफ्तगू। खौफनाक सानहे ने दुनिया के तमाम मजाहिब को इकट्ठा कर दिया। सानहे में शहीद होने वाले पाकिस्तानियों के लवाकिन के साथ खड़े हैं। अवाम ने हमें रवैयों में तब्दीली लाने के लिए वोट दिए हैं। किसी पुलिस एहलकार या अफसर से कोताही हुई तो एक्शन लेंगे, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की गुफ्तगू।
मोहम्मद दीन कॉलोनी में न्यूजीलैंड में शहीद सुहेल शाहिद के घर जाकर अहल खाना से इजहार ताजियत। नून लीग की MPA ख्वाजा इमरान नजीर की भी शहीद सुहेल शाहिद के घर आमद, अहल खाना से इजहार ताजियत। FBR के छापों से ताजिर खौफजदा हैं। वजीर साहब FBR को दिए इख्तियारात में तरमीम करें, टैक्स देने वाले ताजिर इज्जत मांग रहे हैं। सदर लाहौर चैम्बर अलमास हैदर का वजीर मुमलिकत रेवेन्यू से मुतालबा, हमाद अजहर बोले टैक्स अदा न करने वालों के गिर्द घेरा तंग करना नागजीर है, हुकूमत ताजिरों के जायज मुतालबात पूरे करेगी। ऑडिट रिपोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शुबा प्लानिंग की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। शहर में रिहायशी घरों के सिर्फ 4549 नक्शाजात जमा हुए, 1251 इल्तवा का शिकार। सरकारी दस्तावेजात में 4500 घरों की तामीर जाहिर की गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर समाअत, DGLDA ने अदालत में पेश हुआ। क्या हम अदालतों की तौहीन दरख्वास्तें दो दो साल चलाएंगे? अदालत का आमना इमरान खान से इस्तफसार, आइंदा मोहतात रहूंगी, ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर फैसला कर दिया। DGLDA ने मशरूत माफी मांग ली, अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। लड़की से मुबैना ज्यादती का केस, जमानत खारिज होने पर मुलजिम के फरार की कोशिश, पुलिस ने नाकाम बना दी, वकला मुलजिम को छुड़ाने की कोशिश करते रहे। लाहौर प्रेस क्लब के जेर एहतमाम खातीन के आलमी दिन और जश्न बहारा की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, अदाकारा मेघा और प्रेस क्लब की नायब सदर नासरा आतिक की भी शिरकत। परवीन सरवर कहती हैं कि कोई भी मुआशरा खातीन के बगैर तरक्की की राह पर गामसर नहीं हो सकता। सहाफियों को आला कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा। और फिल्म मौला जट का टाइटल इस्तेमाल करने का मामला, लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त पर समाअत। डायलॉग, करेक्टर और नाम का इस्तेमाल रोकने का हुक्म इम्तनाई जारी। बिलाल लाशारी ने गैर कानूनी तौर पर फिल्म मौला जट बनाई, तमाम कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क दरखास्त गुजार के पास मौजूद है, दरखास्त गुजार का मौका।